नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि 2500 परिवार जो है वो घर छोड़ने को विवश हैं। बता दें आपको कि ऐसे यहां पे हालात बन गए हैं कि इनके माल मवेशी तक बाढ़ के शिकार हो गए हैं और अब इनके पास खाने के लाले पड़ गए हैं, रहने को कोई जगह नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। ऐसे में ये लोग जिस तरह से इनके घरों में पानियां जो घुस गई है उसके बाद ये घर छोड़ने को विवश हो गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए, उसके बाद पूरा मंजर हम आपको बताते हैं। सीतामढ़ी के बेलसंग प्रखंड के जाफरपुर पंचायत के मकौल गांव में रविवार की दोपहर बागमती नदी 3 गांवों पर कहर बनकर टूटी है। बागमती के रौद्र रूप के सामने मकौल में बना बांध पानी के तेज बहाव को रोकने में नाकाम हो गया। इसके कारण मकौल में बांधा का बाया तटबंध जो है वो टूटकर 3 गांवों के सैकड़ों परिवार को तबाह कर दिया। बागमती के रौद्र रूप ने सैकड़ों परिवारों के आसियाने को छीन लिया। करीब 3 गांव के 2500 परिवार जगह छोड़ने को विवश हो गए। बांध और ऊंचे स्थान पर शरण ले रखा है। रविवार की दोपहर आई बाढ़ की त्रासदी ने लोगों को बेघर करने के साथ साथ कई मवेशियों को अपने आगोश में ले लिया। अनाज अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। बेलसंग में लगभग 100 मीटर से अधिक तटबंध अचानक ध्वस्त हो गया। इससे अफरा तफरी मच गई। कटाव के कारण पीड़ितों के झोपड़ी नुमा घर नदी में समा गए। रिंग बांध पूरी तरह से कट गया। बांध कटने के बाद पानी का तेज बहाव मकौल, माघड़ और ओड़ीपुर जाफरपुर गांव को तबाह करने के बाद अन्य गांव की ओर रुक कर गया। इससे करीब 50,000 से अधिक लोगों के प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। मकौल गांव में 50 से अधिक बाढ़ पीड़ित परिवार कटाव स्थल के पास ही बागमती बांध पर शरण लिए हैं। बदलाव होने के कारण पीड़ित परिवार पॉलिथीन टांग कर रोजमर्रा को जिंदगी जीने को विवश हो गए हैं। बहुत से परिवार बाढ़ की त्रासदी में अपने आंखों के सामने अपने आसियाने को बर्बाद होता देख तत्काल गुजर बसर करने के लिए अपने नाते रिश्तेदार की घर की ओर रुक करते नजर आ रहे हैं। तो बता दें आपको कि बिहार में इस कदर हालात बनी है कि लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं और ऐसे में 2500 परिवार जो हैं वो अपने घरों को छोड़ दिए हैं। ऐसे में माल मवेशी जो हैं वो इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है और राहत के नाम पर भी इन्हें कुछ मुहैया नहीं कराई गई है। तो बता दें आपको कि सीतामढ़ी के बेलसंग प्रखंड के जाफरपुर पंचायत के मकौल गांव में रविवार की दोपहर ऐसी त्रासदी आई। बागमती नदी 3 गांवों पर कहर टूटकर बरसी है। बागमती के रौद्र रूप के सामने मकौल में बना बांध पानी के तेज बहाव को रोकने में नाकाम हो गया। इस कारण मकौल में बांधा का बाया तटबंध टूटकर 3 गांवों के सैकड़ों परिवारों को तबाह कर गया। बागमती के रौद्र रूप ने सैकड़ों परिवारों के आसियाने को छीन लिया है। करीब 3 गांव के 2500 परिवार जो हैं वो विवश हैं घर छोड़ने को और ऊंचे स्थान पर शरण ले रखा है। रविवार की दोपहर आई बाढ़ की त्रासदी ने लोगों को बेघर करने के साथ साथ कई मवेशियों को अपने आगोश में ले लिया है। तो बता दें आपको कि बिहार में इन दिनों नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। आपको बता दें कि निचले इलाके में रहने वालों के सामने अभी सबसे बड़ी त्रासदी जो है वो आई है, क्योंकि उनके घरों में पानी समा गए हैं। ऐसे में लोग पलायन करने को मजबूर हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से हालात बने आने वाले दिनों में इससे भी भयावह स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार जल स्तर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को प्रशासन की तरफ से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में कई जगहों से भी ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आई है जहां पर लोग जो है बाढ़ पीड़ित लोग जो है वो आक्रोश जताते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार उनके तरफ अभी तक कोई भी रुख अपनाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में बता दें आपको कि 2500 परिवार जो हैं वो घर छोड़ने को विवश हैं, उनके घरों में पानी घुस आए हैं और उनके माल मवेशी जो हैं वो इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और ऐसे में उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है। ऐसे में वो उछले जगहों पर रहने को विवश हो गए हैं जहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा मौजूद नहीं है। तो फिलहाल तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े हैं NBC 24 पर।